अध्याय 36 आश्चर्यजनक कथाएं। गोवा के दो सज्जन, श्रीमती औरंगाबादकर। इस अध्याय में गोवा के दो महानुभावों और श्रीमती औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन है। गोवा के दो महानुभाव। एक समय गोवा से दो महानुभाव श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपए दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। यह भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यहाँ तो द्वारका माई ही अपना ऋण मांगती है और इसीलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में ये महाशय निर्धन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की, यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपए माहवार की नौकरी मिल गई। फिर उत्तरोत्तर उन्नति होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपए तक मासिक वेतन हो गया। परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपए ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसके दालान में विश्राम करने लगा। उस महल के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरी जेब काटी। निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट ही चुरा लिए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा ना लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उसे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशानुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताए देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया। वहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा हुआ था। भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई आ पहुंचा। कथा समाप्त होते ही बाबा ने श्यामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध कराने को कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और ना उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने ना कहीं भी यात्रा की और ना उनकी कोई रकम ही चुराई गई और ना वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या था। दोनों अतिथियों की घिघियां बन गई और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत और परब्रह्म स्वरूप हैं। जो कथा उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वह मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। उनमें से एक कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें 1 माह की पगार भेंट चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपए वसूल कर लिए। आप लोग इसे दक्षिणा ना समझें, यह तो एक पुराने ऋण का भुगतान है। दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई है। शिक्षा, यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और ना ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में कंचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पाश से सदैव बचाते रहते थे। भक्त महालसापति इसके उदाहरण स्वरूप हैं। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपना जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और ना ही वे अपने पास की दक्षिणा में से उन्हें कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी हंसराज ने बाबा की उपस्थिति में ही एक बड़ी रकम महालसापति को दी, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। एक दिन उसका मन पलट गया और उसने मेरे रुपए चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे 30,000 रुपयों के नोट चुरा लिए। मैं नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक ठीक धनराशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था। एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब हाल कह सुनाया। तब उसने बतलाया कि कोपरगांव तालुके के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं। उन्हें वचन दो तथा अपना रुचिकर भोज्य पदार्थ त्याग मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन न कर लूंगा उस पदार्थ को कदापि न खाऊंगा। तब मैंने अन्न खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती तब तक मैं अन्न ग्रहण न करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वह ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमा याचना पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी। जो मुझसे ऐसा अपराध हुआ है मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे सहायता पहुंचाई थी वह फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया। मेरे मन में श्री साईं बाबा के दर्शन की, जिनके लिए फकीर ने मुझसे कहा था, बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वह साईं बाबा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की, उन्हें 35 रुपए का लालच कैसे हो सकता है। इसके विपरीत वे अहेतुक कृपा करके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। जब चोरी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का पारावार न रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। कोलाबा में एक रात्रि को मैंने साईं बाबा को स्वप्न में देखा, तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा के वचन की स्मृति हो आई। मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बंबई पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था, परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने न दिया, परंतु एक अपरिचित चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बंबई पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर मैं यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होने में मुझे कोई शंका नहीं है। देखो तो हम कौन हैं और कहाँ हमारा घर। हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडी वासी हम लोगों की अपेक्षा सहस्त्र गुना श्रेष्ठ और भाग्यशाली हैं, जो बाबा के साथ हंसते खेलते मधुर भाषण करते और कई वर्षों से उनके समीप रहते हो। यह आप लोगों के गत जन्मों की शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साईं ही हमारे लिए दत्ते हैं। उन्होंने ही हमसे प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबादकर सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आए और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब भी वे मस्जिद आते तो बाबा को भक्त कन्हों से घिरे हुए पाते। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा, बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। पूजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन पूजन के उपरांत जब श्यामा बाबा की गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहे थे तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटें? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को क्यों बुरा मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और न मुझे स्वर्ग आदि चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह पानी से पूर्ण था और बचता था। श्यामा ने बाबा से कहा, यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसीलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा, मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार यही हठ पकड़े हुए थे कि बाबा इसे उस बाई को दे दें। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया। तब श्यामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान ना हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूंगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब बालक 5 मास का हुआ उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता ने 500 रुपए भेंट किए, जो बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाने के काम आए। श्री सदगुरु साई नाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।